बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण से चैप्टर 8, जिसको हम लोग बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरोनियम्स। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो ये दोनों शब्दों को हमने अलग अलग करके लिखा है समझाने के लिए। समरूपी और भिन्नार्थक दो अलग शब्द हैं यहाँ पे। तो समरूपी का अर्थ क्या होता है? समरूपी का अर्थ है मतलब समान लगने वाला। समरूपी का अर्थ हुआ समान लगने वाला, और भिन्नार्थक का अर्थ हुआ अलग अर्थ प्रकट करने वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। मतलब वो देखने में या सुनने में पढ़ने में समान लगता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। ये हो जाता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। परिभाषा देख लेते हैं इसका। इसका परिभाषा क्या है? तो जो शब्द देखने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द देखने में सुनने में पढ़ने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है, वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द होता है। वो भिन्न होता है लेकिन देखने में सुनने में पढ़ने में वो सब एक जैसा होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वही है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, उसका कुछ उदाहरण है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं तुम लोग को। देखो, कूल और कूल दोनों मतलब पढ़ने में अगर हम लोग पढ़ते हैं उसका उच्चारण जो है एक जैसा ही है, कूल कूल, लेकिन इसका अर्थ जो है भिन्न है, मतलब अलग है। जैसे ए स्कूल का अर्थ हुआ बंस और इस स्कूल का अर्थ हुआ किनारा। फिर यहां पे दीन और दीन दोनों एक जैसा पढ़ने में लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, भिन्न है। जैसे दिन, दिन का मतलब हुआ दिवस, दिवस मतलब डे जो होता है, और इस दिन का मतलब हुआ गरीब पुअर। तो मतलब दोनों पढ़ने में जैसे एक जैसा है लेकिन दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, वो ही होता है भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक। मतलब समान होता है पढ़ने में देखने में, मतलब हर तरफ से समान होता है लेकिन उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। परिणाम परिमाण एक जैसा ही है। तो परिणाम का अर्थ हुआ फल रिजल्ट, और परिमाण का अर्थ हुआ मात्रा क्वांटिटी। दशा और दिशा, दशा मतलब अवस्था सिचुएशन, और दिशा का मतलब हुआ तरफ मतलब साइड में। तो पढ़ने में देखने में सुनने में मतलब एक जैसा ही हो रहा है लेकिन इसका अर्थ जो है वो तो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का कुछ उदाहरण जो है किताब से देख लेते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है जाया, उसका अर्थ हुआ पत्नी, और नेक्स्ट में दिया हुआ है जाया मतलब बेकार। तो दोनों समान जैसा है, पढ़ने में समान है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है। कली कली एक पे छोटी की मात्रा है ला पे, और इधर ला पे बड़ी की मात्रा है। तो दोनों समान है, उच्चारण जो है उसका दोनों का समान है लेकिन अर्थ अलग है, उसको हम लोग भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे क ली ल पे छोटा ई की मात्रा जो है कली, वो कलियुग है, और क ल पे बड़ा ई की मात्रा जो है फूल का अतखिला रूप, उसको हम लोग कली बोलते हैं। जैसे बलि और बलि, तो एक बलि का ल पे छोटा ई की मात्रा बलिदान, और ल पे बड़ी की मात्रा बलि मीन्स बलशाली। ऐसी कुछ उदाहरण है बुक में दिया हुआ है। वो जो अर्थ है उसका मतलब पढ़ने में एक जैसा है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे पास और पास, एक पास का अर्थ हुआ बंधन और दूसरा समीप। आदि और आदि, आदि द पे छोटी की मात्रा आदि आरंभ, किसी भी चीज का शुरुआत करना, और आदि द पे बड़ी की मात्रा में अभ्यस्त।
तरी और तरी, तरी र पे छोटी की मात्रा तरी मतलब सब्जी का रस, और त र पे बड़ी की मात्रा तरी मीन्स नौका नाव। पवन और पावन एक ही जैसा है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। पवन मीन्स हवा और पावन मीन्स पवित्र। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स लाख और लक्ष्य मीन्स उद्देश्य। भवन, भवन का मतलब हुआ मकान और भुवन का मतलब हुआ संसार। तो ये जो सब है जितना जितना मैंने पढ़ा अभी तक वो क्या है मतलब देख पढ़ने में एक जैसा ही है लग रहा है लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। तो यही होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और इसे लक्ष्य और लक्ष्य, एक का अर्थ हुआ लाख और दूसरा का उद्देश्य। फण, फण एक फण का मतलब हुआ गुण और दूसरा का साफ का फण। भवन का मतलब हुआ मकान और भुवन का मतलब हुआ संसार। और का मतलब हो गया तरफ और का मतलब हुआ तथा। कल और काल, कल मीन्स आने वाला दिन, काल मीन्स मृत्यु। बल और बाल, बल का अर्थ हो गया शक्ति और बाल का मतलब हुआ केश जो हेयर बोलते हैं हम लोग। अनल और अनिल, अनल का अर्थ हो गया आग, अनिल का अर्थ हो गया हवा। सूत और सूत दोनों एक जैसा है। सूत सूत, एक सूत का अर्थ हुआ पुत और दूसरा सूत का अर्थ हुआ सूती वस्त्र पहनने का धागा। आसमान, आसमान जो बराबर न हो गया असमान, असमान और दूसरा हो गया आसमान। तो आसमान का मतलब हुआ आकाश। अस्त्र और अस्तर, अस्त्र का मतलब हुआ हथियार और अस्तर का मतलब हुआ कवर खोल। अली और आली, अली का अर्थ हुआ भ्रमर और आली का अर्थ हुआ सखी। शाम मीन्स, शाम का अर्थ हो गया संध्या और श्याम का अर्थ हुआ काला। Stay home, stay safe, do it for self, do it for family, do it for India, let's make a change of COVID-19 from Google Kamyab Day.